हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी एक रिव्यू एक स्क्रब का, लिप स्क्रब बाय बेयर बॉडी। ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आपको मिलेगा। जो इसका आउटर बॉक्स होता है वो आपको मिलता है कार्डबोर्ड का, और ये है ग्लास पैकेजिंग। और जो इसका कैप होगा वो आपको मिलेगा प्लास्टिक का। और इसका प्राइस है 350 रुपीज़, और आपको प्रोडक्ट मिलेगा इसमें 15 ग्राम प्रोडक्ट। तो अगर बात करें मैं इस प्रोडक्ट के, जो इसमें इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, इसमें है कोकोआ बटर, शिया बटर, आमंड ऑयल, आर्गन ऑयल, 20 पैक्स ऑलिव ऑयल, विटामिन ई, मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम जेली, एक्सफोलिएटिंग बीड्स एंड फ्रेग्रेंस। तो ओपन करेंगे बॉक्स को। काफ़ी अच्छा है देखने में, जो इसका पैकेजिंग है काफ़ी लग्जूरियस फील होता है। इसमें आपको एक लिड मिलेगा कि जो प्रोडक्ट है ख़राब ना हो, बाहर ना आए। मैंने अभी इसका लिड भी नहीं खोला, बट ओपन अभी करने के पहले ही इसमें जो फ्रेग्रेंस है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे बिना खोले ही आ रही है। इवन ये मेरे काफ़ी दूर भी है तब भी मैं इसको अच्छे से स्मेल कर पा रही हूँ। इसका फ्रेग्रेंस है जैसे फ्रूटी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर होता है, टोटली वैसे। यू कैन सी, एक्चुअली मैंने पहले यूज़ किया था, मैंने सोचा कि एकदम हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, एक बार यूज़ किया तो बता देते अच्छा नहीं है। बट मैंने इसको दो बार यूज़ कर लिया है पहले, इस रिव्यू देने से पहले, तो मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ कि किस तरह का ये प्रोडक्ट है। यू कैन सी इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रेग्रेंस है। अगर आप ज़्यादा फ्रेग्रेंस नहीं झेल पाते, प्रोडक्ट अच्छे ना लगते हो, मे बी आपको पसंद ना आए। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो ये प्रोडक्ट है कैसा वर्क करता है। इसका जो कंटेनर है अच्छा है, पैकेजिंग है अच्छी है, बट हमें मतलब किससे, जो प्रोडक्ट है किस तरह का वर्क करता है स्किन के ऊपर, हमारे लिप्स के ऊपर। तो अभी मैं आपको डेमो दिखा देती हूँ। तो बात करें कंसिस्टेंसी इसकी, थिक क्रीम होता है जैसे, बिल्कुल वैसे ही है, ईजिली निकल जाता है स्क्रब। काफ़ी ज़्यादा जैसे ऑयल है इसमें, मैंने बताया पहले कि इसमें क्या क्या है, तो इसके जो बीड्स हैं काफ़ी कम हैं। यू कैन सी कहीं कहीं पे आपको दिख रहे होंगे, जो डार्क पिंक वाला कलर आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा। तो ऐसा है कि मुझे एक्चुअली ये पसंद नहीं आया, मे बी किसी और को पसंद आए जिनको ज़्यादा माइल्ड पसंद हो। ये ओवरली माइल्ड बोल सकती हूँ मैं स्क्रब को, माइल्ड भी नहीं, ओवरली माइल्ड है ये। इसका जो ग्रैनुल्स का साइज़ है काफ़ी ज़्यादा छोटा है। अच्छा है कि लिप्स पे छोटे ग्रैनुल्स हों, अच्छे हों, बट वर्क भी करें। ऐसा हमें प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तभी कि जो वर्क भी करे। इट्स लाइक कि आप जो पेट्रोलियम जेली होती है ना, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया और उससे आप स्क्रब कर रहे हो, अच्छे से नहीं होता। काफ़ी ज़्यादा बामी टेक्सचर है, तो मुझे नहीं लगता है एज अ स्क्रब ये अच्छा काम कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मी अगर ये एक लिप बाम होता तो ये ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाता, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है। इट्स लाइक कि आपने वैसलिन जेली लगा लिया अपने लिप्स के ऊपर, तो वैसा ही ये काम करता है, लाइक काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज में। अकॉर्डिंग टू मी अगर ये स्क्रब होता तो इसमें जो ग्रैनुअल्स हैं उनका जो ज़्यादा होने चाहिए थे, काफ़ी ज़्यादा कम है, तो फील भी नहीं होता कि आप स्क्रब कर रहे हो अपने लिप्स के ऊपर। तो मैं अभी आपको एक लिप्स के ऊपर भी डेमो दिखा देती हूँ कि अगर आप लिप्स पे यूज़ कर रहे हो तो कैसा लगेगा और किस तरह से ये वर्क करता है। अकॉर्डिंग टू मी मुझे ये पसंद नहीं आया, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आप इसको लेना चाहते हो या नहीं। मैं रिकमेंड नहीं करूँगी इस प्रोडक्ट को। अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो कि प्रोडक्ट का रिव्यू कैसा बताया है, तो मैं बोलूँगी कि आप 350 रुपीज़ सेव करो, कोई और प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करो इससे अच्छा। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट को अच्छे से यूज़ किया, इट्स लाइक मैंने 2-3 बार भी यूज़ किया। हम होता है ना, एक बार यूज़ किया अच्छा नहीं लगता। मैं 2-3 बार यूज़ करने के बाद ही बोल रही हूँ इसका कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता। इट्स लाइक आपने वैसलिन रख के उसको रब किया लिप्स के ऊपर, नथिंग न्यू। सो गाइज, दैट्स माई रिव्यू ऑन दिस प्रोडक्ट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आगे आने वाली वीडियो में भी मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करती जाऊँगी मेकअप प्रोडक्ट के ऊपर, स्किन केयर के ऊपर। तो अच्छा अच्छा कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। बाय गाइज।